Welcome student. Today's video lectures is sole proprietorship. Last lectures में हमने देखा था कि private sectors क्या है, business sectors क्या है, private sector में किस type of business आते हैं. तो उसी में अभी हम private sectors में जो businesses आते हैं उसमें सबसे पहला जो types of business है वो है sole proprietorship. तो ये इसी के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप्स क्या है, उसके उसका मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशंस क्या है, उसके फीचर्स क्या है एंड उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ये सब हम ये लेक्चर्स में देखने वाले हैं. राइट. सो स्टूडेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप्स का मीनिंग क्या है, कि सोल ये वर्ड का मीनिंग क्या है. सोल मीन्स एक सिंगल पर्सन. प्रोप्राइटरशिप्स मीन्स वो पर्सन जो बिजनेस हैंडल कर रहा है, वो प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग है. ओनर यानी वो बिजनेस का वो ओनर है. यानी सोल का मतलब क्या है, सिंगल, एंड प्रोप्राइटर मीन्स एक, प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनर, वो बिजनेस का वो ओनर है. अ सोल प्रोप्राइटर इज अ इंडिपेंडेंट ओनर ऑफ द बिजनेस. कोई भी मैं एक अकेला पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस का ओनर, कंट्रोलिंग, मैनेजिंग ये सब कौन देखेगा, कौन हैंडल करता है, सोल प्रोप्राइटरशिप्स. राइट, मींस जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, और ये जो टाइप ऑफ बिजनेस है ये बहुत ही ओल्ड टाइप का बिजनेस है, और ये पहले बहुत ही सिंपल वे से ये बिजनेस हैंडल किया जाता है ना. इसमें ज्यादा लीगल प्रोसीजर है, इजी फॉर्मेशन होता है, क्लोज भी इजी होता है. सो सोल का मतलब यहाँ है कि सिंगल पर्सन, एंड प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनर. इसी टाइप में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं ये बिजनेस के. ब्यूटी पार्लर ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जाम्पल्स है. ग्रोसरी शॉप्स, गिफ्ट शॉप्स, ऐसे बहुत सारे सोल प्रोप्राइटरशिप के एग्जाम्पल्स है. सो स्टूडेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग आपको समझ में आया. सोल ये वर्ड का मीनिंग क्या है, सिंगल. प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनर, वो बिजनेस का खुद ही अकेला ओनर रहेगा. और ये जो बिजनेस है ये इंडिपेंडेंट ओनर ऑफ अ बिजनेस. राइट स्टूडेंट, देन नेक्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्या है, कि इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस एंड इंडिविजुअली इन्वेस्ट इज कैपिटल. यानी जो भी बिजनेस मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल का है वो मेरा खुद का रहेगा. वो बिजनेस का जो स्किल है मेरा, जो भी बिजनेस में वो एक्टिविटीज में परफॉर्म कर रही हूँ, वो सब मेरी इंडिविजुअली एक्टिविटीज रहेंगी. और मेरी खुद की स्किल है वो जिसमें मैं अपने बिजनेस में यूज कर रही हूँ. सभी बिजनेस जो मेरा खुद का इंडिविजुअली बिजनेस है वो मैनेज करना, उसमें जो भी मुझे डिफिकल्टीज आ रही है, जो भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है मेरे बिजनेस में, तो एक अकेला ही पर्सन उसको एंजॉय करेगा. राइट स्टूडेंट, एंड दिस फॉर्म ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज अ प्रोप्राइटरशिप्स, द सोल ट्रेडर, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोप्राइटरशिप्स, कंसर्न ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न. इस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप में किस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं, ये एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है और इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोप्राइटरशिप. मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मीनिंग है इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस एंड इंडिविजुअल इन्वेस्ट हिज ओन कैपिटल, यूजेस हिज ओन स्किल एंड अंडरटेक्स द बिजनेस एक्टिविटीज. He manage affairs of the business, enjoy profits and bear losses on his own. This form of organization is a commercial organization, is also known as a proprietorships, the sole trader, individual entrepreneurship, proprietorship concern or sole trading concern. Right student? तो इसकी definitions दी है. तो डेफिनेशंस हम किस तरीके से लिखेंगे, जो ऑथर ने आपको डेफिनेशंस दी है वैसे ही आपको आपके नोटबुक में लिखनी है. जब आप एग्जाम में पेपर्स के जब सॉल्व करते हो तब भी आप अगर डेफिनेशंस देते हैं तो आपको प्रॉपरली ये याद होना चाहिए कि जो ऑथर ने डेफिनेशंस दी है आपके बुक में वही लिखना है और ऑथर का नेम भी लिखना है. अगर आपको एट दैट टाइम अगर राइटर ऑथर का नाम आपको नहीं याद आ रहा है, एज अ जनरल डेफिनेशन करके आप लिख सकते हैं. एक्सप्लेनेशन सही होना चाहिए. अगर आप ऑथर का नाम लिख रहे हैं वहां पे भी उन्होंने जो डेफिनेशंस दी है वही आपको लिखनी है. तो सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशंस ये है. अकॉर्डिंग टू
प्रोफेसर जेम्स लॉन्डी, द सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन बाय वन पर्सन, राइट। ये प्रोफेसर ने बोला है कि जेम्स ने द सोल प्रोप्राइटर्स इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस एंड ओन बाय वन पर्सन, ये एक पर्सन ये बिजनेस हैंडल कर सकता है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन है और बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने अपने तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप की सोल ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में अपने व्यूज अपने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, वो भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट। देन नेक्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ फीचर्स हैं कि किस तरीके से ये फीचर्स हम अभी वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला जो फीचर्स है सोल प्रोप्राइटरशिप का, सोल ट्रेडिंग कंसर्न का, इंडिविजुअल ओनरशिप है, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोकल मार्केट ऑपरेशंस, नो सेपरेट लीगल स्टेटस, मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें वन बाय वन हम सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स देखेंगे। इसके पहले हमने मीनिंग देखा, इंट्रोडक्शंस देखा, डेफिनेशंस देखा, तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करती हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्या है। सोल यानी एक सिंगल पर्सन, प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनर, ये जो बिजनेस कंट्रोलिंग मैनेजिंग हैंडलिंग ये सब एक इंडिविजुअल पर्सन हैंडल करता है। इसमें एग्जाम्पल हमने देखे थे ब्यूटी पार्लर है, ग्रोसरी शॉप्स है, गिफ्ट शॉप्स है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है सोल ट्रेडिंग कंसर्न के। सोल ट्रेडिंग कंसर्न की डेफिनेशन हमने देखी, प्रोफेसर जेम्स ने बोली है उसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, और बहुत सारे ऑथर्स है जिन्होंने अपने डेफिनेशंस दिए हुए हैं वो भी आप लिख सकते हैं। अब हम ये नेक्स्ट टॉपिक मीन्स नेक्स्ट फीचर्स क्या है सोल ट्रेडिंग कंसर्न के, तो देखो सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये एक ऐसा सिंगल पर्सन है जो बिजनेस को हैंडल करता है। तो जो बिजनेस को सिंगली हैंडल कर रहा है तो उसका कंट्रोलिंग, उसका मैनेजिंग, उसका डिसीजन ये सब एक ही पर्सन हैंडल करता है। तो इसमें सबसे पहला जो फीचर्स दिया है स्टूडेंट वो है इंडिविजुअली ओनरशिप। इंडिविजुअली ओनरशिप मीन्स सोल का मतलब हमने देखा था कि एक सिंगल पर्सन वो बिजनेस को हैंडल कर रहा है, यानी उसका इंडिविजुअली जो ओनर है वो एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न का है। जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कैपिटल जो रिक्वायर है उसके बिजनेस के लिए वो खुद ही इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो अकेला एक पर्सन है तो ही इन्वेस्ट ऑल द कैपिटल रिक्वायर फॉर बिजनेस। उसके बिजनेस को जितनी कैपिटल की नीड है वही कैपिटल वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। ही ओन्स ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, उसकी खुद की ही वो एसेट्स रहेंगी क्योंकि वो इंडिविजुअली एक पर्सन अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा है। ही ऑल्सो रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जो भी लाइबिलिटीज है वो उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन रहेगा, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, वो सिंगल इंडिविजुअली पर्सन रहेगा। तो इंडिविजुअली ओनरशिप मीन्स जो भी बिजनेस में ओनर है वो इंडिविजुअली पर्सन है, जो भी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है सोल ट्रेडर ने वो उसका खुद का कैपिटल रहेगा, बिजनेस की जो भी एसेट्स है वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न की ही रहेंगी एक इंडिविजुअल पर्सन की, एंड बिजनेस की जो भी लाइबिलिटीज है वो भी किसकी रहेगी, बिजनेस की जो लाइबिलिटीज रहेंगी वो इंडिविजुअली सोल ट्रेडिंग कंसर्न की रहेंगी। समझ में आया ये फीचर्स कैसे है, इंडिविजुअली ओनरशिप। इंडिविजुअली ओनरशिप मीन्स मेरा खुद का कैपिटल है, मैं खुद कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस की जो एसेट्स है मेरी खुद इंडिविजुअली मेरी खुद की एसेट्स है वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड जो भी लाइबिलिटीज रहेंगी वो लाइबिलिटीज किसकी रहेंगी, वो इंडिविजुअली पर्सन की रहेंगी। तो उन इंडिविजुअली ओनरशिप ये फीचर्स का मीनिंग समझ में आया, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट फीचर्स इज नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क। प्रॉफिट एंड रिस्क, जो भी बिजनेस का प्रॉफिट है वो कौन एंजॉय करेगा, इंडिविजुअली पर्सन सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ये जो प्रोप्राइटरशिप है इज अ सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस, क्योंकि वो बिजनेस का ओनर कौन है, एक सिंगल पर्सन है, एंड देयर इज नो बडी टू शेयर हिज प्रॉफिट्स और लॉसेस। ही एंजॉय
द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एज वेल एज ही बेयर्स ऑल रिस्क अलोन, यानी बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो खुद ही एंजॉय करेगा, बिजनेस के जो भी रिस्क है वो खुद ही बेयर करेगा। रीजन ये है कि वो प्रोप्राइटर जो है बिजनेस का इज अ सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। अगर हम पार्टनरशिप लेते हैं तो पार्टनरशिप में ग्रुप रहता है और ग्रुप्स अगर जिस तरीके से बिजनेस में प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो मैं अपने पार्टनर्स को डिवाइड करूंगी, बट सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है कि एक सिंगल ओनर है और वो ओनर खुद ही अपना प्रॉफिट एंजॉय करेगा, जो भी रिस्क रहेंगे वो रिस्क जो है वो खुद ही बेयर करेगा। इसीलिए सेकंड फीचर ये था कि नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप ये बिजनेस में जो ओनर है वही अपने प्रॉफिट का एंजॉय करेगा और वही सभी रिस्क को बेयर करेगा। Right student, so proprietorship is a single owner of the business. There is a nobody to share his profit or losses. He enjoys the profits of the business as well as he bears all the risk alone. Right student, no sharing of profit and risk. Reason, क्योंकि proprietor एक single owner है अपने business का. Next is self-employment. अब देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग, अब मेरा पूरा एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे जॉब कहीं पे भी नहीं मिला, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, मेरा एजुकेशन हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, फिर भी मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, तो ये टाइप ऑफ बिजनेस में सोल ट्रेडिंग कंसर्न में आप ऐसा कर सकते कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का ही बिजनेस आप स्टार्ट करके आप अपना सोल ट्रेडिंग कंसर्न स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोला गया है, यानी मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। तो उसके लिए टाइप्स ऑफ जो बिजनेस है, जो बिजनेस मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है कि किस टाइप्स ऑफ बिजनेस को मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, जहाँ पे मुझे किसी अदर पर्सन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए और मेरे पास जॉब भी नहीं है, तो मैं खुद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ एज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज द बेस्ट सुटेबल फॉर्म फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बेस्ट सुटेबल क्योंकि इसीलिए है क्योंकि मेरे पास जॉब है नहीं, तो मैं खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। ऐसा भी है कि मुझे किसी दो तीन पर्सन अगर मेरे बिजनेस में है, टू या थ्री पर्सन, और किसी का इंटरफेयर्स मुझे पसंद ही नहीं है, तो मैं खुद का अकेले अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। तो उसमें अगर आपको जब बिजनेस टाइप्स ऑफ बिजनेस अगर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस अगर आपको चूज करना है, तो सबसे बेस्ट जो बिजनेस का टाइप है वो है सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज द बेस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। Right student, any unemployed person can start business with small capital and earn for his livelihood. कोई भी एक person है या किसी को भी अभी तक job नहीं मिली, तो अपना खुद का unemployed person अपना खुद का business start कर सकता है। Small capital में वो अपना कोई भी एक shop open कर सकता है, gift shop बोलो या grocery shop, any type of बिजनेस आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और अपना जो नीड है, अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी जो नीड है वो आपको फुलफिल करना है, तो ये बेस्ट सुटेबल बिजनेस है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जो आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, एंड ही गेट्स अ सोर्स ऑफ इनकम बाय स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस, और आप अपना इनकम स्टार्ट कर सकते हैं, हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए और इससे आपको मोटिवेट होके आप अपने बिजनेस में और अच्छे तरीके से आपको बिजनेस को परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज द बेस्ट सुटेबल फॉर्म फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एनी अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन कैन स्टार्ट बिजनेस विथ स्मॉल कैपिटल एंड अर्न फॉर प्रॉफिट अर्न फॉर हिज लाइवलीहुड। He gets a source of income by starting his own business. Right student, अपना खुद का business start कर सकते और unemployment problem solve कर सकते हैं। Okay? Local market operations. Local market operations means, देखो मेरा जो business है, ये business
एक सिंगल पर्सन स्टार्ट कर रहा है, तो मिनिमम मेरा जो कैपिटल है वो ज्यादा नहीं रहेगा, और जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरा स्केल है, यानी मैंने कैपिटल मेरा स्मॉल है, मेरे हिसाब से मैंने अपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, और मेरे जो बिजनेस की जो एक्टिविटीज है ना, तो ये एक्टिविटीज एकदम से मैंने स्टार्टिंग में ही मैं जंप नहीं ले सकती, ये मैं लोकल बेसिस पे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती और लोकल मार्केट मेरे लिए सुटेबल रहेगा। कैसे? क्योंकि ये मेरा लार्ज बिजनेस नहीं है, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैंने जो किया है वो भी मेरा जिस तरीके से रिक्वायरमेंट थी और मेरे पास जितना कैपिटल था उस तरीके से मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। बिजनेस एक सिंगल इंडिविजुअली पर्सन हैंडल कर रहा है, तो एक ही पर्सन में एक पर्सन बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं उसकी कैपिटल में हो सकता प्रॉब्लम आता है, या स्किल में, या जो मैनेजर स्किल है, जो बहुत सारी एक्टिविटीज रहते हैं जो बिजनेस को टॉप लेवल तक लेके जा सकते हैं, तो एक सिंगल पर्सन ये जो बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो लोकल मार्केट के ही ऑपरेशंस हैंडल करेगा। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये जो बिजनेस है, इसके ज्यादा से ज्यादा जो एक्टिविटीज, जो ऑपरेशंस होंगे बिजनेस से रिलेटेड, वो लोकल मार्केट में ही होंगे। Right, the large amount of capital and expert manager ability is required for large scale business. यानी large scale business अगर मैं start करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे capital, जो firm है वो large में चाहिए, जो manager skill है, जो experts है, ये सब मुझे मेरे business में लगेंगे, but मेरे business की requirement ये नहीं है। ये मेरा business जो start हुआ है वो small capital से ही start हुआ है, और अगर मुझे foreign level पे या international national level पे अगर business करना है तो उसकी requirement अलग रहती है। तो so large amount of capital and expert managerial abilities required for large scale business, बड़ा business चलाने के लिए ये सब activities जरूरी है, expert manager skill चाहिए, capital large चाहिए, but sole trader is limited capital and limited manager ability. Hence, generally a sole trader operates in local market. इसीलिए sole trader क्या करता, अपने जो अपना जो business है वो local market में ही operate करता है। Right student, तो local market operations का ये जो features है ये आपको समझ में आया कि local market operations सोल ट्रेडर क्यों परफॉर्म करता है, क्योंकि उसकी जो लिमिटेड कैपिटल रहता है एंड लिमिटेड मैनेजर स्किल रहती है, यानी मेरे पास जो एबिलिटी जो चाहिए वो सब मेरा लिमिटेड है, तो मेरा जो जनरली जो सोल ट्रेडर ऑपरेट ही इन लोकल मार्केट, यानी मेरे जो एक्टिविटीज रहेंगी, मेरा जो बिजनेस रहेगा वो लोकल मार्केट तक ही रिक्वायर रहेगा। राइट, अगर मुझे लार्ज करना है, लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस अगर मुझे चाहिए तो वहाँ पे कैपिटल लार्ज चाहिए, मैनेजर स्किल यहाँ पे, एक्सपर्ट पर्सन चाहिए जो बिजनेस को लार्ज स्केल बिजनेस को हैंडल करते हैं। राइट, नेक्स्ट फीचर्स इज नो सेपरेट लीगल स्टेटस। यहाँ पे नो सेपरेट लीगल स्टेटस मीन्स, देखो जब पार्टनरशिप या कंपनी अगर फॉर्म होती है तो वहां कंपनी एक अलग है और वहां पे शेयर होल्डर्स जो पर्सन है वो अलग रहते हैं। सेपरेट लीगल यानी यहाँ पे जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में, जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है वो खुद ही अपने सब लीगल स्टेटस है जो एंजॉय करता है। इन द आईज ऑफ लॉस द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस आर कंसिडर वन एंड द सेम, यानी वो खुद ही अपने बिजनेस को आईज ऑफ लॉ में उसको खुद ही वो इंडिविजुअली पर्सन मैनेज कर रहा है, एंड लॉ और वो इंडिविजुअली खुद एक पर्सन सेम है, ये सब कंपनी में नहीं होता। देखो कंपनी एक आर्टिफिशियल है और
वहां पे जो पर्सन्स रहेंगे वो अलग है, यहाँ पे वहां पे सेपरेट लीगल स्टेटस रहते हैं, यानी कंपनी अलग रहती है और इंडिविजुअली पर्सन जो है वो अलग रहते हैं, बट सोल ट्रेडिंग कंसर्न में नो सेपरेट लीगल स्टेटस, यहाँ पे कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं, जो होल एंड सोल है वो एक सिंगल ओनर ही है, दैट मीन्स अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस इन द आईज ऑफ द लॉज, द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस आर कंसिडर वन एंड द सेम, यानी सोल ट्रेडर और उसका बिजनेस एक ही ये सब सेम है, वो खुद अकेले ही वो सब हैंडल कर रहा है। बट यही अगर हम कंपनी से रिलेटेड लेते हैं, कंपनी फॉर्म करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है, कंपनी खुद में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, एक सेपरेट लीगल स्टेटस है उसका, बट सोल ट्रेडिंग पर्सन ऐसा नहीं है, तो इसीलिए नो सेपरेट लीगल स्टेटस बोला गया है। ये फीचर्स का मीनिंग आपको समझ में आया, क्यों नो सेपरेट लीगल स्टेटस, क्योंकि होल एंड सोल कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज यहाँ पे ज्यादा नहीं है, और होल एंड सोल जो है वो एक सिंगल इंडिविजुअली पर्सन है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में। अगर हम कंपनी में लेते हैं तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है एंड अदर्स, समझ में आया, राइट। नेक्स्ट इज मिनिमम गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन। अब सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये बिजनेस अगर मैं एक सिंगल पर्सन अगर स्टार्ट करना चाहता है तो उसमें बहुत ही इजी फॉर्मेशन है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा नहीं रहती है, सिर्फ सिंपल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और 30 डेज के अंदर आपका वो वर्क हो जाता है और आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, यानी मिनिमम गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर भी नहीं ज्यादा करता आपके बिजनेस में, सिर्फ आपको मिनिमम जो रजिस्ट्रेशन है वो फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ती है और आपका बिजनेस तब स्टार्ट होता है। तो मिनिमम गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन जो रहेगा वो आपको करना है। देयर इज नो सेपरेट एक्ट और लॉ टू गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ द सोल ट्रेडिंग कंसर्न। द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट कंपल्सरी। Rigid legal formalities are not required for formation. Only the tax laws and labor laws have to be followed. Right, student? यहाँ पे सिर्फ आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है, कुछ बिजनेस को रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना पड़ता, आप इजिली उसको स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देयर इज अ नो सेपरेट एक्ट आपके लिए नहीं है कि या लॉ नहीं है कि आपको खुद का बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये एक्ट और ये लॉ आपको वहां पे यूज करना है। तो ये सब एक्टिविटीज सोल ट्रेडिंग कंसर्न में नहीं होती है, सिंपल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज है वो आपको करनी पड़ती है ऑफ सोल ट्रेडिंग, वो भी कभी कभी कोई कोई बिजनेस में वो रजिस्ट्रेशन भी कंपल्सरी नहीं रहता, आप स्टार्ट कर सकते हैं आपका बिजनेस, यानी कोई भी रिजिड ऐसे लीगल फॉर्मेलिटीज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन, यानी सोल ट्रेडिंग कंसर्न अगर ये बिजनेस में स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ पे जो लीगल फॉर्मेलिटीज है ना के बराबर है वो आप सिर्फ आपको एक टैक्स लॉज एंड लेबर लॉज ये फॉलो करना ही पड़ता है, यानी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और जो लेबर लॉज है वो सब आपको एक्टिविटीज करनी पड़ते हैं, यानी यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन जो करना पड़ रहा है आपके बिजनेस का वो भी कंपलसरी नहीं है, बट कुछ बिजनेस जो रहते हैं उसको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी रहता है, ऐसे हार्ड एंड हार्ड रूल्स नहीं है सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए। सो मिनिमम गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में, एक फीचर है, और देर इज अ नो सेपरेट एक्ट और लॉ इन टू गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट कंपल्सरी। रिजिड लीगल फॉर्मेलिटीज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन। कोई भी ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो इस तरीके से आपको लॉज अप्लाई करना है, ये रूल्स फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न में नहीं रहता है, सिर्फ आपको टैक्स लॉज एंड लेबर लॉज फॉलो करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। सोल ट्रेडर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, पहले ये सेंटेंस रीड कर रही हूँ। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इम्प्लाइज दैट देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस प्रॉपर्टी ऑफ सोल ट्रेडर।
ओके, इफ बिजनेस एसेट आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ लायबिलिटीज द बिजनेस देन पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल ट्रेडर मे बी अटैच टू बिजनेस प्रॉपर्टीज। इसका मीनिंग क्या है? पहले तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सोल ट्रेडर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों है, उसका मीनिंग क्या है, ये पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले सोल ट्रेडर ये जो बिजनेस है एक सिंगल ओनर पर्सन वो स्टार्ट करता है, ओनर कंट्रोलिंग करना, मैनेजिंग करना, सब कुछ वो एक सिंगल पर्सन हैंडल करता है। ठीक है, यानी बिजनेस की जो एसेट्स है, उसकी खुद की जो एसेट्स है, वो सब कुछ वो सिंगल पर्सन की है। तो यहाँ पे सोल ट्रेडर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपने एक सिंपल शॉप, कोई भी किराने की दुकान, ये हम ले लेते हैं, ये आपने सोल ट्रेडर कंसर्न में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक से आपने लोन लिया। अब वहाँ पे बहुत सारी ऐसी शॉप्स में, अगर आपने किराना दुकान का शॉप ओपन किया है तो आपने बैंक से लोन लिया, उसके बाद आपने जो जो आपको चाहिए था वो आपके शॉप में आपने ले लिया है। अब क्या हो रहा है, आपने जो बैंक से लोन लिया है, अगर आपने 5 लाख का लोन लिया है तो आपके ऊपर लायबिलिटी किसकी है, बैंक की, कि आपको वो मनी पे करना है। एक लिमिट दिया रहता है कि वो लिमिट के अंदर आपको 1 या 2 साल में आपको कंप्लीट करना है। अगर आपने वो बिजनेस स्टार्ट किया है किराना का, और वहां पे अगर आपको प्रॉपर्टी, आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, राइट, आपके बिजनेस में लॉस हुआ और आपको बैंक ने बोला है कि आपको 5 लाख रुपीस ये डेट तक, ये ईयर में आपको कंप्लीट करना है। अगर आप नहीं कंप्लीट कर रहे हैं तो आपके ऊपर लायबिलिटी है और वो लायबिलिटी आपको पे करनी है। वो लायबिलिटी आप कैसे पे करेंगे? अगर बिजनेस की लायबिलिटी इनसफिशिएंट है, अगर आप पे नहीं कर सकते, यानी आपने बैंक का लोन पे नहीं किया, जो 5 लाख रुपए आपने बैंक से लिए थे और वो 5 लाख रुपए आपने पे नहीं किए, वो बिजनेस की लायबिलिटी थी। अब ये लायबिलिटी आप पे नहीं कर सकते तो आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी इसमें यू से हो सकती है, हो सकती है। आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके आपकी जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी आपको क्लियर करनी है। समझ में आया स्टूडेंट? अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस सोल ट्रेडर प्रोप्राइटरशिप की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे बिजनेस प्रॉपर्टी आपकी क्या थी, आपने बैंक से लोन लिया था 5 लाख रुपीस, आपको पे करना था। अब ये बिजनेस की जो प्रॉपर्टी, बिजनेस का जो आपका लायबिलिटी थी वो आप पे नहीं कर पा रहे, इसीलिए आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या होगी, वो पे करके आपको बैंक की लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, तभी आपकी लायबिलिटी क्लियर होगी, राइट। इसलिए बोला गया है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस देयर इज अ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस प्रॉपर्टी ऑफ सोल ट्रेडर। इफ बिजनेस एसेट आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ लायबिलिटीज द बिजनेस देन पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल ट्रेडर मे बी अटैच टू बिजनेस प्रॉपर्टी। ये समझ में आया, क्योंकि जब मेरी बिजनेस की लायबिलिटीज मैं पे नहीं कर सकती तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके आपको वो लायबिलिटीज क्लियर करनी है, राइट स्टूडेंट? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, अगर आप बिजनेस की लायबिलिटी पे नहीं कर सकते, इनसफिशिएंट आप वो नहीं कर सकते वो, तो आपको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी, आपके पर्सनल, आपके एसेट्स है, जो भी आपकी पर्सनल एसेट्स है, उसको पे करके आपको लायबिलिटीज पे करनी है, उसी को अनलिमिटेड लायबिलिटी बोला गया है। सोल ट्रेडर हैज अ अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल ट्रेडर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अब अनलिमिटेड क्यों है, क्योंकि बिजनेस का ओनर और इंडिविजुअल पर्सन एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। अगर उसने कहीं की लायबिलिटी अगर ली है,
उसके ऊपर लाइबिलिटी है। एग्जाम्पल मैंने बताया, अगर आपने बैंक का लोन लिया है और वो लोन आपको पे करना है, बट आपकी बिजनेस प्रॉपर्टी से वो लोन पे नहीं हो रहा है, वो लाइबिलिटीज पे नहीं हो रही है, तो आपकी पर्सनल एसेट सेल करके आपको लाइबिलिटीज पे करनी है। यानी बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है, तो बिजनेस की प्रॉपर्टी अगर मैं उसमें से अगर आप लाइबिलिटी पे नहीं कर सकते, तो इफ अ बिजनेस एसेट आपकी खुद की पर्सनल एसेट्स पे ऑफ लाइबिलिटीज, द बिजनेस एंड पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल ट्रेडर मे बी अटैच्ड टू बिजनेस प्रॉपर्टी। राइट स्टूडेंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग समझ में आया। सोल ट्रेडर हैज अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इम्प्लाइज दैट देयर इज अ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस प्रॉपर्टी। इफ बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ लाइबिलिटीज, द बिजनेस देन पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ट्रेडर मे बी अटैच टू बिजनेस प्रॉपर्टी। राइट, अगर आप नहीं पे कर सकते तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल हो सकती है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है सोल ट्रेडिंग काउंसलिंग का। ओके स्टूडेंट, मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग काउंसलिंग, मेरिट्स या एडवांटेज ऑफ सोल ट्रेडिंग काउंसलिंग। देखो, जो हमने फीचर्स देखे थे स्टूडेंट, फीचर्स एंड मेरिट्स सिमिलरली मीन्स सेम ही रहेंगे। कुछ का आपके जो फीचर्स है उसी में भी मेरिट्स, और मेरिट्स जो है वो फीचर्स, यानी दो तीन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो है आपको सिमिलरली दिखेंगे और सेम ही है वैसे देखा जाए तो। बट थोड़ा बहुत जो एक्सप्लेनेशंस रहेगा वो थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा, बट फीचर्स एंड मेरिट्स सेम ही रहते हैं। राइट स्टूडेंट, सो सोल ट्रेडिंग कंसर्न के जो मेरिट्स है उसी को हम एडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये भी बोलते हैं। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न के फीचर्स, इजी फॉर्मेशंस, क्विक डिसीजंस, मैक्सिमम सिक्रेसी, डायरेक्ट मोटिवेशंस, फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। सबसे पहला जो मेरिट्स है सोल ट्रेडिंग कंसर्न का, इजी फॉर्मेशंस। हमने देखा था कि जब भी एक स्मॉल बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो वहां पे लीगल फॉर्मेलिटीज जो है बहुत ही इजी वे से होता है। कोई भी ऐसे हार्ड एंड फास्ट ऐसे रूल नहीं है वहां पे। आप कोई भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये टाइप ऑफ बिजनेस में आपका जो इंडिविजुअली जो बिजनेस है वो इजीली फॉर्म कर सकते हैं, और इसका फॉर्मेशन एंड क्लोजिंग ये भी बहुत इजीली होता है। इसमें कोई भी हार्ड ऐसे रूल्स और स्ट्रिक्टली आपको कुछ रूल्स लॉ लीगली फॉर्मेलिटीज बहुत ही कम है और ना के बराबर है। ओके, तो इजी फॉर्मेशंस ये जो सोल ट्रेडिंग काउंसिल का मेरिट्स है। द फॉर्मेशंस ऑफ सोल ट्रेडिंग काउंसिल इज अ वेरी इजी एंड सिंपल। मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशंस। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो बहुत ही कम मिनिमम फॉर्मेलिटीज रहती है। सपोज आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना है तो वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते, इजी वे से आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का जो फर्स्ट मेरिट्स है वो इजी फॉर्मेशन, बहुत ही इजी वे से आपका सिंपल फॉर्मेलिटीज रहती है वो आपको करनी पड़ती है, एंड कोई भी लीगल जो फॉर्मेलिटीज है वो मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज है वो आपको करनी पड़ती है। ओके, जब हम अपना खुद का इंडिविजुअली बिजनेस स्टार्ट करते हैं। राइट स्टूडेंट, द नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्विक डिसीजन क्यों लिया जाता है? यहाँ ये रीजन है कि यहाँ जो डिसीजन लेने वाला जो पर्सन है वो उसका खुद का अकेले का इंडिविजुअल बिजनेस है, वो खुद ही वो बिजनेस का ओनर है। एक पर्सन अगर डिसीजन लेता है तो वहाँ पे क्विकली वो डिसीजन हो जाता है। अगर यही मैं अगर पार्टनरशिप फर्म में देखती हूँ
जितने भी मेरे पार्टनर्स हैं, हर एक पर्सन को मुझे, हर एक पार्टनर्स को मुझे पूछना पड़ेगा कि जो मैं बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन ले रहा हूँ तो हर एक पार्टनर से मुझे क्या करना है, वो डिसीजन से रिलेटेड जो भी बात हो रही है तो हर एक पार्टनर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा कि बताना पड़ेगा कि हमें बिजनेस में इस तरीके से चेंजेस करने हैं, तो आपको मैंने जो डिसीजन लिया है तो अदर पार्टनर्स को वो डिसीजन सही लगना चाहिए, करेक्ट लगना चाहिए। वो बोलेगा कि नहीं, ये डिसीजन बराबर, जो आपने डिसीजन लिया है वो राइट नहीं है, दूसरी तरीके से आप डिसीजन ले सकते। तो हर एक पार्टनर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, वो डिसीजन जो भी मैं ले रहा हूँ उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है, बताना पड़ता है। बट सोल ट्रेडिंग पर्सन में सिंगल पर्सन है, इंडिविजुअली बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो यहाँ पे डिसीजन जो प्रोसेस है, डिसीजन जो है वो क्विकली डिसीजन लिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, सोल ट्रेडर टेक्स अ क्विक बिजनेस डिसीजन, ही मे और मे नॉट कंसल्ट एनीवन, किसी को भी उसको कंसल्ट नहीं करना पड़ता क्योंकि वो इंडिविजुअली एक सिंगल बंदा वो बिजनेस को हैंडल कर रहा है। सोल ट्रेडर इज नॉट आंसरेबल टू एनीबडी, उसने जो डिसीजन लिया है वो किसी को वो उस डिसीजन से रिलेटेड आंसर नहीं देना है, उसने जो डिसीजन लिया है वो अकेला ही उसको हैंडल करेगा और वो क्विक डिसीजन लेगा। ओके, मेनी टाइम्स क्विक डिसीजन इन बिजनेस प्रूव्स टू बी वेरी प्रॉफिटेबल, सो ट्रेडर कैन टेक क्विक एक्शंस एंड गेट मोर बेनिफिट्स। कभी कभी बिजनेस में समटाइम्स बिजनेस में ऐसा होता है कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं और वो डिसीजन लेने में अगर मैंने टाइम लगा दिया है तो वो आपके बिजनेस के लिए वो बेनिफिटेड नहीं रहेगा। बट यहाँ पे सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जो डिसीजन क्विक डिसीजन लिया जाता है, बहुत ही फास्ट डिसीजन ले गए और उसके डिसीजन के जो बेनिफिट्स है वो सोल ट्रेडर्स को उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का जो सेकंड मेरिट्स है क्विक डिसीजन, और क्विक डिसीजन क्यों होता है, क्योंकि वहां पे एक ही पर्सन है और उसको किसी अदर पर्सन को कंसल्ट ही नहीं करना है। तो सोल ट्रेडर टेक क्विक डिसीजन in business and he may or may not consult anybody, and many times quick decision is business proves to be very profitable, sole trader can take quick actions and get more benefits, right student? So quick decision business ke liye benefited rehta hai. क्यों ले सकते हैं हम क्विक डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल ही पर्सन है, वो अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सभी एक्टिविटीज एक ही पर्सन हैंडल करता है, इसीलिए वो किसी को भी आंसरेबल नहीं रहेगा जो बिजनेस से रिलेटेड वो डिसीजन ले रहा है, राइट? देन मैक्सिमम सीक्रेसी, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में मैक्सिमम सीक्रेसी इसीलिए रहेगी क्योंकि वहां पे जो भी मैंने डिसीजन दिया है, जो भी मैं बिजनेस से रिलेटेड मेरा जो वर्क है, मेरी जो सीक्रेसी जो है बिजनेस से रिलेटेड, जो भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन है और मैं किसी अदर पर्सन को कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि द सोल ट्रेडर इज अ ओनर एंड मैनेजर ऑफ हिज बिजनेस, क्योंकि वो सिंगल इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस का ओनर भी है, मैनेजर भी है और कंट्रोलर भी है। सो ही मे नॉट डिस्क्लोज हिज बिजनेस सीक्रेट्स एंड प्लान्स विथ एनी थर्ड पर्सन, देयर इज नो नीड टू पब्लिश बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सो मैक्सिमम सीक्रेसी कैन बी मेंटेन, राइट? कि मैक्सिमम सीक्रेसी क्यों मेंटेन होती है, क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये बिजनेस में बिजनेस का जो ओनर है वो कंट्रोलर भी है, मैनेजर भी है, और जो भी प्लान्स इसके बिजनेस से रिलेटेड है वो सीक्रेसी रहेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी के सामने उसको डिस्कस नहीं करना पड़ता और उसकी जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स वो पब्लिश ही नहीं होते बुक्स जो है। There is a no need to publish books of accounts of sole trading concern. तो इसीलिए sole trading concern में business secrecy maintain की जाती है, right? क्योंकि वहां पे जो owner, controller, manager,
सब कुछ एक ही पर्सन हैंडल कर रहा है, तो उसी के बिजनेस से जो भी प्लान्स है, उसका जो डिसीजन है, सभी वो अकेला ही पर्सन हैंडल करता है, तो उसी से ही रिलेटेड उसके पास ही उसकी सीक्रेसी रहती, किसी थर्ड पर्सन को उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। और नेक्स्ट बुक्स जो है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो रहता है, वो पब्लिक के सामने हम इशू नहीं करते। सो यहाँ पे सोल ट्रेडिंग कंसर्न में मैक्सिमम सीक्रेसी मेंटेन की जाती है, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट फीचर इज डायरेक्ट मोटिवेशंस। यहाँ पे सोल ट्रेडर को डायरेक्ट मोटिवेट होता है, किस तरीके से मोटिवेट होंगे? अ सोल ट्रेडर इज द ओनर एंड मैनेजर, ही एंजॉयज द होल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ही हैज डायरेक्ट मोटिवेशंस टू अर्न मोर प्रॉफिट, ही ऑलवेज ट्राइज टू वर्क हार्ड फॉर मोर प्रॉफिट्स। डायरेक्ट मोटिवेशंस यहाँ पे सोल ट्रेडर को इसलिए मिलता है, अगर वो अपने शॉप में एक टाइम फिक्स रहता है कि मैं 10 o'clock तक अपने शॉप में बैठ के बिजनेस को हैंडल कर रहा हूँ। कभी कभी हो सकता है मैं अपने बिजनेस के लिए ज्यादा टाइम दे के भी, एक्स्ट्रा वर्क दे के भी, एक्स्ट्रा इफिशंसी या हार्डवर्क एफर्ट्स में खुद के बिजनेस में ले रहा हूँ एक सोल ट्रेडर, तो उसका बेनिफिट वो सोल ट्रेडर को ही मिलेगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा अगर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है और मेरे बिजनेस में मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले रहा हूँ, किस लिए? क्योंकि मुझे ही वो प्रॉफिट मिलने वाला है, राइट। तो सोल ट्रेडर क्या होता है, डायरेक्ट मोटिवेट हो जाता है, क्योंकि मुझे जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो मेरे ही पास आने वाला है। तो सोल ट्रेडर एक ओनर है, एक मैनेजर है, और जो भी मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स मेरी बिजनेस के लिए कर रहे हूँ, तो बेनिफिटेड तो मेरे ही पास आएंगे, प्रॉफिट तो मेरा ही है, तो मैं डायरेक्ट मोटिवेट हो रहा हूँ, राइट। ही ऑलवेज ट्राई टू वर्क हार्ड फॉर मोर प्रॉफिट्स, राइट। जो भी मैं ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ, वो हार्डवर्क का जो बेनिफिट्स है वो किसे मिलने वाला है? मुझे ही मिलने वाला है, और ये किसी दूसरे पर्सन के पास मेरे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं जाएगा। अगर यही, अगर हम एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रही हूँ या कंपनी में वर्क कर रही हूँ, मेरा जो टाइमिंग है 10 to 10 बजे से 7 बजे तक, कंपनी मुझे उसके लिए 10,000 rupees पे कर रही है, राइट। कंपनी आपको कितना पे कर रही है? 10,000 rupees। अभी कंपनी ने डिसीजन ऐसा लिया है कि आपके 2 आवर्स एक्स्ट्रा आपको वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप एक्स्ट्रा 2 आवर्स वो कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं, बट आपको बेनिफिट किसको मिलेगा? कंपनी को, कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है, आपको नहीं, क्योंकि आपकी सैलरी अगर बढ़ रही है तो आप इफिशियंट वर्क करोगे, आप मोटिवेट होगे। बट कंपनी ऐसा नहीं करती, कंपनी बोल रही है आपका जो टाइमिंग है, जो 2 आवर्स जो हमने एक्स्ट्रा बैठ के आपको वर्क करना है कंपनी के लिए, तो कंपनी में अगर मैं ये वर्क कर रही हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ मोटिवेट नहीं हूँ, क्योंकि मैं कितना भी काम करूँ, एक्स्ट्रा कितना भी मैं वर्क करूँ, बट कंपनी मुझे तो 10,000 ही दे रही है ना, राइट। बट सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ऐसा नहीं है, सोल ट्रेडिंग अपने शॉप में 3 या 2 आवर्स एक्स्ट्रा बैठ के अगर एफर्ट्स ले रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, तो उसका बेनिफिट वो ओनर को ही मिल रहा है, क्योंकि वही अपने बिजनेस का मैनेजर है, ओनर है, तो वो डायरेक्ट मोटिवेट होता है, राइट स्टूडेंट। समझ में आया? अगर यही अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, कंपनी में अगर मैं वर्क करती हूँ, वहां मैं डायरेक्ट मोटिवेट नहीं होती, क्योंकि कंपनी मुझे एक्स्ट्रा जो मेरा वर्क बढ़ा रही है, तो पैसा तो मुझे उतना ही मिल रहा है, मैं कितना भी टाइम कंपनी को क्यों ना दू, फिर भी मुझे तो पैसा 10,000 ही मिल रहा है ना। तो यहाँ पे मोटिवेशंस एम्प्लॉय को नहीं होता है, बट अगर इंडिविजुअली एक सिंगल पर्सन का बिजनेस है तो वो डायरेक्ट मोटिवेट होता है, क्योंकि डायरेक्ट उसी के पास ही उसका जो एफर्ट्स उसने अपने बिजनेस के लिए लिया है, तो प्रॉफिट वो ओनर को ही मिलने वाला है। तो इस तरीके से डायरेक्ट मोटिवेशंस
सोल ट्रेडर को मिलता है और वो अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट अर्न करता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मेरिट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स अपडेट, चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से बिजनेस में चेंजेस कर सकते हैं? फर्स्ट, बीइंग द ओनली डिसीजन मेकर ऑफ बिजनेस, सोल ट्रेडर कैन मेक क्विक चेंजेस एज पर द सिचुएशंस। ही मे चेंज द लाइन ऑफ हिज बिजनेस एनी टाइम। ही कैन चेंज हिज बिजनेस पॉलिसीज इफ रिक्वायर्ड। अब जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस में, एक सोल ट्रेडर फ्लेक्सिबल रह सकता है, वो इजीली चेंज या अपडेट कर सकता है अपने बिजनेस में। क्यों? कि डिसीजन लेने वाला वो एक ही बंदा है। बीइंग द ओनली डिसीजन, कौन डिसीजन लेता? मेकर ऑफ बिजनेस, जो ओनर है, जो प्रोप्राइटर है, वो ही डिसीजन लेता है। सोल ट्रेडर कैन मेक क्विक चेंजेस एज पर द सिचुएशन। कोई भी सिचुएशंस आई है तो सोल ट्रेडर क्विक डिसीजन लेता है, क्योंकि उसको अकेले को ही डिसीजन लेना है। ये फ्लेक्सिबल हो गया। देन ही मे चेंज द लाइन ऑफ हिज बिजनेस एनी टाइम। अगर उसने एक साल में टाइप ऑफ बिजनेस जो है, फर्स्ट टाइम अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसने क्लोथ का बिजनेस किया, बट उसको अभी लगा कि नहीं, मैं ये बिजनेस अभी चेंज कर सकता हूँ, तो नेक्स्ट लाइन वो चेंज भी कर सकता। यानी अपने बिजनेस में एनी टाइम वो चेंजेस ला सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में। इवन ही कैन चेंज हिज बिजनेस पॉलिसी इफ रिक्वायर्ड। उसको जैसा लगेगा वैसे वो अपने बिजनेस की पॉलिसी भी चेंज कर सकता है, राइट? क्योंकि एक अकेला मेकर जो बिजनेस को हैंडल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, यानी सोल ट्रेडर कंसर्न में सोल ट्रेडर को अपने बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी है। इजी वे से अपने बिजनेस की लाइन चेंज कर सकता है। एक साल में एक बिजनेस उसने स्टार्ट किया, वहां पे उसको लगा कि यहाँ पे मुझे कम प्रॉफिट लग रहा है, उसने दूसरा लाइन ऑफ बिजनेस वहां पे स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से वो अपने बिजनेस में चेंजेस करेगा। इवन बिजनेस की पॉलिसी भी जिस तरीके से है उसमें वो चेंजेस कर सकता है। ये सिर्फ सोल ट्रेडिंग कंसर्न में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि मैं अपने बिजनेस में इजीली चेंज कर सकती हूँ, राइट? नेक्स्ट मेरिट, लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट, द सोल ट्रेडर इज सोल मैनेजर ऑफ हिज बिजनेस। ही कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। He always try to minimize the wastage, which results into lower cost of operations. Sole trader अपने business का owner है, controller है, manager है। अब यहाँ पे जितनी भी business से related activities हो रही है, वो activities में ज़्यादा से ज़्यादा more जो minimize wastage जो है, वो खुद अकेला single इंडिविजुअल पर्सन वेस्टेज जो हो रहा है उसको बहुत ही कम करना, क्योंकि उसी के हाथ पे वो बिजनेस है। एक सिंगल पर्सन, ओनर, कंट्रोलर, मैनेजर, तो यहाँ पे उसका जो वेस्टेज हो रहा है वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि वो वर्क ही इतना प्रॉपर वर्क कर रहा है अपने बिजनेस में। क्योंकि जितना कम मैं वेस्टेज करूंगा उतना कम कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस उसको लगेंगे, राइट? तो इसीलिए जो कॉस्ट है, लोअर कॉस्ट बोला गया है यहाँ पे सोल ट्रेडर कंसर्न। ये बिजनेस में लोअर कॉस्ट, यानी जो प्रोडक्ट वो बना रहा है, जो बिजनेस वो कर रहा है, उसमें जो कॉस्ट का जो लोअर कॉस्ट जो ऑपरेशंस होती है, जो भी एक्टिविटीज है, जो एक्सपेंडिचर्स है, यहाँ पे वो वेस्टेज जो है वो बहुत ही मिनिमाइज करता है, क्योंकि मेरा खुद का अकेले का बिजनेस है। यहाँ पे जितना मैं कम वेस्टेज करती हूँ उतना मेरा जो कॉस्ट है लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस होगा, ठीक है? कम पैसा लगेगा क्योंकि ये मेरा खुद का बिजनेस है, मैं अकेला ये पर्सन ये बिजनेस को हैंडल कर रहा हूँ, तो जितना मुझे वेस्टेज जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज करने का
हार्ड वर्क करेगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा और वो कोशिश करता है, इसीलिए उसको लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस होता है, राइट स्टूडेंट। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में लोअर कॉस्ट, ये एक मेरिट है, और ये क्यों है, क्योंकि द सोल ट्रेडर इज सोल मैनेजर ऑफ हिज बिजनेस, ही कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, he always try to minimize the wastage which result into lower cost of operation, right? अगर मैं बहुत सारे लेबर मेरे बिजनेस में है और मैं कितने बार उनको बताऊंगी कि यहाँ पे वेस्टेज आपको जो करना है वो मिनिमाइज ही करना है, बट वो इतना उस तरह यानी वो वर्क की तरफ खुद होके इतना प्रॉपरली इफिशियंटली वर्क नहीं करेगा जितना जो खुद एक सोल ट्रेडर जो ओनर है वो खुद वो बिजनेस को हैंडल कर रहा है, तो ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है कि मेरे बिजनेस पे वेस्टेज ना ही हो, जितना कम वेस्टेज होगा, क्योंकि वो खुद अकेला एक पर्सन है, तो जितना कम वेस्टेज होगा तो मेरा जो कॉस्ट है, मैं जो प्रोडक्शन कर रहा हूँ, जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, उसका कॉस्ट क्या होगा, लोअर होगा, राइट स्टूडेंट। समझ में आए लोअर कॉस्ट क्यों होता है, क्या रीजन है उसका, क्योंकि खुद का अगर मेरा वर्क है, खुद का मेरा बिजनेस है और कंट्रोलिंग मैनेजिंग इंडिविजुअली मैं एक पर्सन कर रहा हूँ, तो मैं यही सोचूंगा कि कम से कम एक्सपेंडिचर्स हो, कम से कम मेरे जो कैपिटल है, मेरा जो मनी है प्रोडक्ट बनाने के लिए मिनिमाइज हो जाए और मैं वेस्टेज भी मिनिमाइज ही करूं, ताकि मेरे प्रोडक्शंस को लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस होंगे और मेरा प्रोडक्ट कम प्राइस में बनेगा और मैं वो मार्केट में सेल करने के बाद ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ, राइट। इसे रिवाइज करते हैं स्टूडेंट, जितना भी हमने ये वीडियो लेक्चर्स में सोल ट्रेडिंग कंसर्न का इंट्रोडक्शंस देखा, मीनिंग देन डेफिनेशंस फीचर्स एंड मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मीनिंग यानी हमने स्टार्टिंग में ही सोल का मतलब सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनर मीन्स जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, यहाँ पे एक सिंगल पर्सन अपने बिजनेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और इस तरीके से अपने बिजनेस को चलाता है। यहाँ पे बिजनेस के हमने फीचर्स देखे थे, फीचर्स टोटल 7 फीचर्स है, उसमें सबसे पहला हमने देखा था कि बिजनेस जब सोल ट्रेडिंग कंसर्न इंडिविजुअली ओनरशिप रहती है, एक ही पर्सन है तो ओनरशिप भी किसकी रहेगी, जो ओनर है बिजनेस का उसकी ओनरशिप रहेगी, खुद ही मैनेज कर रहा है बिजनेस को, कंट्रोलिंग भी वो ही कर रहा है और पूरी एक्टिविटीज वो बिजनेस की हैंडल कर रहा है। सो इसीलिए इसका सेकंड फीचर्स ये है, नो शेयरिंग प्रॉफिट एंड रिस्क। बिजनेस में जो भी रिस्क हो रहे हैं, जो प्रॉफिट है वो सब है वो अकेला पर्सन ही बेयर करेगा, यानी प्रॉफिट हुआ तो सोल ट्रेडर को मिलेगा, जो भी रिस्क है बिजनेस से रिलेटेड, बेयरिंग एनी रिस्क, वो अकेला वही रिस्क को बेयर करेगा, राइट। यानी जो भी बिजनेस में प्रॉफिट या रिस्क है, नो शेयरिंग प्रॉफिट एंड रिस्क, राइट। द नेक्स्ट हमने फीचर्स देखा था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे मेरा खुद का बिजनेस, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन है अगर उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे बेस्ट सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है। तो अपना बिजनेस एक छोटा सा शॉप ओपन करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस, और उसमें जो भी आपका प्रॉफिट अर्न हो रहा है उससे आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी नीड आप फुलफिल कर सकते हैं, मीन्स आपका लाइवलीहुड आप अर्न कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। ये एक फीचर्स था। देन नेक्स्ट इज लोकल मार्केट ऑपरेशंस, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न या बिजनेस में लोकल मार्केट
के ऑपरेशंस ही होंगे, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट इन्वेस्टमेंट है, तो मेरी जो भी ऑपरेशंस होंगे वो सिर्फ लोकल मार्केट के हिसाब से ही होंगे, तो मेरा जो बिजनेस है वो सिर्फ लोकल मार्केट में रहेगा, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो लार्ज स्केल वाला बिजनेस नहीं है, ये स्मॉल स्केल वाला बिजनेस है। हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में आप अपना छोटा सा ब्यूटी पार्लर ओपन कर सकते हैं, ग्रोसरी शॉप ये आप ओपन कर सकते हैं, या गिफ्ट शॉप, ये सब स्मॉल इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेसेस है, तो हमारे जो ऑपरेशंस रहेंगे वो लोकल मार्केट में ही रहेंगे। ये एक फीचर्स था सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। एंड देन नो सेपरेट लीगल स्टेटस, यहाँ पे जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो बिजनेस ओनर है, जो सोल ट्रेडर है, वो बिजनेस का ओनर भी है और वो बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज है, यहाँ पे कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज या लीगल ऐसा स्टेटस उसका नहीं है, वो होल एंड सोल ट्रेडर ही वो बिजनेस का ओनर है। अगर यही हम पार्टनर्स कंपनी अगर मैं फॉर्म करते हूँ तो यहाँ पे सेपरेट लीगल स्टेटस रहता है, क्योंकि कंपनी फॉर्म करने के लिए बहुत सारी लेंदी प्रोसेस रहती है और वहाँ पे कंपनी एक लीगली आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट। और इस तरीके से सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज ज़्यादा नहीं है, मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज है जो आप बिजनेस फॉर्म करना चाहते हैं, इजी वे से आपका बिजनेस फॉर्म होता है। ये एक फीचर्स था सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। देन मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस थे, जो भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज हार्ड एंड कोई भी डिफिकल्ट ऐसी हार्ड ऐसी डिफिकल्ट फॉर्मेलिटीज नहीं है, जो बिजनेस फॉर्म करने के लिए इजी वे से आपका बिजनेस फॉर्म होता है, राइट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स हमने देखा था अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो सोल ट्रेडर है उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स अगर आपके ऊपर किसी की लाइबिलिटीज है तो बिजनेस लाइबिलिटीज एंड पर्सनल लाइबिलिटीज ये दोनों भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी। सेम मींस कैसे, जब भी लाइबिलिटीज ये सोल ट्रेडर की अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड का मतलब ही आपको यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टूड करना है स्टूडेंट, क्योंकि देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल लाइबिलिटीज या पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस प्रॉपर्टी ऑफ सोल ट्रेडर। यहाँ पे कोई भी ऐसी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस प्रॉपर्टी ऑफ सोल ट्रेडर, एंड फॉर एग्जाम्पल मैंने वहां पे दिया है कि जब बिजनेस की लाइबिलिटी पे नहीं कर पाते, आपके ऊपर कोई भी डेब्ट है, अगर वो आप पे नहीं कर सकते तो आपकी पर्सनल जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी सेल हो सकती है, यानी आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके लाइबिलिटीज कंप्लीट करनी है, तो इसीलिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोला गया है, राइट। ये बिजनेस के सोल ट्रेडिंग कंसर्न के 7 फीचर्स थे, और इसके बाद हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न के मेरिट्स देखे थे। मेरिट्स एंड फीचर्स सेम ही रहते हैं, बहुत थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशंस डिफरेंट रहेगा। तो हमने मेरिट्स देखा था, सबसे पहला मेरिट्स था इजी फॉर्मेशन, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सोल एसटीसी सोल ट्रेडिंग कंसर्न बहुत ही इजी वे से इजी फॉर्मेलिटीज रहती है, जब मैं मेरा बिजनेस स्टार्ट करती हूँ सिंपल फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज रहती है वो आप कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट ऐसे लॉज नहीं है जो मैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, ओके स्टूडेंट। देन ये सेकेंड बेनिफिट्स है, सेकेंड डिस एडवांटेजेस है कि मैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्विक डिसीजन लेती हूँ। क्विक डिसीजन मीन्स अकेला ओनर ही है जो बिजनेस हैंडल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो यहाँ पे डिसीजन जो होगा वो वेरी फास्ट, यानी क्विक डिसीजन लिया जाएगा, और डिसीजन क्विक हो रहा है तो आपके बिजनेस के लिए वो बेनिफिटेड रहेगा,
राइट स्टूडेंट, द नेक्स्ट मेरिट्स हमने देखा था मैक्सिमम सीक्रेसी। यहाँ पे बिजनेस में सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जो सोल ट्रेडर है सिंगल इंडिविजुअली पर्सन है, ओनर मैनेजर कंट्रोलर वो है, तो उसके बिजनेस की जो भी सीक्रेसी है तो उसके तक ही लिमिट रहेगी, किसी थर्ड पर्सन के सामने वो बता ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो सीक्रेसी है वो मैक्सिमम सीक्रेसी रहेगी, राइट। अगर यही अगर मैं पार्टनरशिप फॉर्म में देखती हूँ तो यहाँ बहुत सारे पार्टनर्स रहेंगे तो सबको मुझे अपने बिजनेस से रिलेटेड बातें करनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी डिसीजन सही है या करेक्ट है या रॉन्ग है, इसके लिए जो लेंदी जो टाइम वेस्ट हो रहा है। बट सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ऐसा नहीं है क्योंकि सिंगल एक पर्सन है तो जो बिजनेस की सीक्रेसी है वो ज़्यादा मेंटेन होती है। देन डायरेक्ट मोटिवेशंस, मेरे बिजनेस में जो भी मैनेजिंग कंट्रोलिंग मैं कर रही हूँ एक सिंगल पर्सन, तो यहाँ पे बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ तो मैं डायरेक्ट मोटिवेटेड हो रही हूँ। अगर मैंने ज़्यादा टाइम अपने बिजनेस को दिया है तो ज़्यादा टाइम देने के बाद अगर मेरे बिजनेस में जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो प्रॉफिट अर्न होने के बाद वो सिर्फ मेरे ही पास आने वाला है, किसी थर्ड पर्सन को वो नहीं जाने वाला है। तो मैं डायरेक्ट मोटिवेट होती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इफिशियंटली और हार्डवर्क करके अपने बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती हूँ। तो इस तरीके से डायरेक्ट मोटिवेशंस मिलता है सोल ट्रेडर को। देन फ्लेक्सिबिलिटी, ये एक मेरिट्स है सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स मैं बिजनेस में इजीली अपने बिजनेस की लाइन चेंज कर सकती हूँ, कोई भी डिसीजन लेना है या बिजनेस में मुझे चेंजेस करना है, एक बिजनेस स्टार्ट किया वो क्लोज करके दूसरा बिजनेस में चेंज कर सकती हूँ, लाइन चेंज कर सकती हूँ, एनी बिजनेस कोई भी टाइप का मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकती, यानी मेरे बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं इजीली उसको चेंज कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनर कंट्रोलर मैनेजर सिर्फ सोल ट्रेडर इंडिविजुअली वन पर्सन है, यानी वन मैन शो है यहाँ पे, राइट। द नेक्स्ट इज लोअर कॉस्ट, मेरी बिजनेस में जो भी मैं प्रोडक्शंस कर रही हूँ और जो भी प्रोडक्ट बनाती हूँ या बिजनेस में जो भी मेरा बिजनेस है उसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट मैं अर्न कर रही हूँ तो उसके पीछे मेरे एफर्ट्स है, क्योंकि वेस्टेज जो है वो मिनिमम वेस्टेज हो रहा है मेरे बिजनेस में, तो मेरी कॉस्ट जो है लोअर कॉस्ट ऑपरेशंस हो रहे हैं और मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे बिजनेस में मिल रहा है, राइट स्टूडेंट। ये मेरिट्स है। द नेक्स्ट इज इफिशियंसी, इफिशियंसी ये लास्ट मेरिट्स है सोल ट्रेडिंग कंसर्न का, क्योंकि बिजनेस का ओनर मेकर देन मैनेजर्स जो भी स्किल है जो भी कंट्रोलिंग है ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज इन हिज बिजनेस एंड ही अवॉइड वेस्टेज लाइक वेस्टेज ऑफ मनी टाइम मटेरियल एंड एफर्ट्स। ओके स्टूडेंट, तो आई होप ये वीडियो लेक्चर्स में आपको सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स के बारे में उसके फीचर्स उसके मेरिट्स समझ में आए। थैंक यू।